डेढ़ किलो रंगस्थलम, 200 ग्राम करणम, पाव भर पुष्पा और 100 ग्राम दिमाग लगाकर जब आप एक बढ़िया स्टोरी लिखते हो तो बनकर आती ही ये फिल्म दशहरा। नेचुरल स्टार नानी की पहली पैन इंडिया मूवी दशहरा कल रात शो देखकर आए। एक दिन में दो दो मास मसाला फिल्म देखकर बहुआ के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया और उसमें सिर्फ खाली मारधाड़ चल रही है। मुन्ना भाई के मकसूद भाई होते तो अभी चार बातें बोलकर यही सुना देते कि इतना कचरा कौन बॉयल आया बे। वैसे इस वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आपके ओपिनियन का पैसा मिल सकता है। फिल्म में एक गांव है, गांव के बेवड़े लोग हैं, सरपंच की कुर्सी है, पॉलिटिक्स है, लव ट्रायंगल है, रिवेंज है, सस्पेंस है और एक बेहद तगड़ा क्लाइमैक्स है। बस नहीं है तो अच्छी हिंदी डबिंग। भाई साहब इसके गाने जब चालू होते हैं तो ऐसा लगता है कि हे भगवान दो मिनट के लिए मेरे कान आप किसी और को किराए पर चढ़ा दो। इसके गाने जब हिंदी में लिखे गए तो ऐसा लग रहा है लिखे नहीं गए, हिंदी ऑडियंस के ऊपर एहसान किया गया है। लिरिक्स मुंह पर फेंक कर मारा गया है कि हमने मतलब लिख दिया है, टैलेंटेड हो तो म्यूजिक के हिसाब से खुद अरेंज कर लेना। तो 6375वीं बार कहता हूँ कि पैन इंडिया लेवल का मतलब म्यूजिक भी होता है मेरे भाई। अगर कहानी के लिए वैसा म्यूजिक इतना ही जरूरी है तो भाई ओरिजिनल लैंग्वेज में गाना रहने दो। अपनी पौड़े पौड़े पौड़े, इस पर भी हम लोग 19 साल से बारात में नाच रहे हैं कि नहीं नाच रहे? कोकोनट में लस्सी मिला के हनी सिंह ने पूरा लुंगी डांस गाना बना दिया। एक मिनट, ये कहीं उसी का बदला निकाले हैं क्या? हेलो, क्या समझ गई? इसको मैं पहले पुष्पा जैसा समझ रहा था लेकिन जब इसको देखकर बाहर निकला तो पूरा ओपिनियन ही बदल गया। वैसे ओपिनियन से याद आया, अगर आपका भी अपना कोई ओपिनियन है, चाहे वो फिल्म से रिलेटेड हो, चाहे क्रिकेट से रिलेटेड हो, चाहे क्रिप्टो से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड, जो भी टॉपिक बोलो उस पर आप अपना ओपिनियन देकर पैसे कमा सकते हो प्रोबो ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करो। 25 रुपए का आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। और देखो जैसे दशहरा की बात हम लोग कर रहे हैं, क्या दूसरे दिन 20 करोड़ या उससे ज्यादा की कमाई करेगी? इस पर आपका ओपिनियन क्या कहता है, हाँ या ना? यस या नो में आपको ओपिनियन देना है। हमने तो दे दिया है और क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट भी कर दिया प्रोबो ऐप पर। और 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसा डेली करते हैं और रियल मनी कमा रहे हैं। आप कहां पड़े हो चक्कर में भैया? कोई नहीं, इसके टक्कर में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो और पैसा जब जीतोगे ना तो गूगल पे पेटीएम वगैरह से आपके अकाउंट में वो चला भी जाएगा। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, यहीं पर अपनी ओपिनियन दो। और हाँ, आगे बढ़ते हैं, गाने छोड़ते हैं। तो इस फिल्म के पास इतना कुछ ऑफर करने को है कि इसके अगेंस्ट खड़ी भोला पिक्चर को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हर उस फिल्म को बहुत स्मार्टली छूती है जिसको आप कल्ट क्लासिक मास मसाला मूवी में रखते हो। लेकिन मालूम है इसकी सबसे खास बात क्या है? इसमें रामायण की छोटी सी थीम पर कहानी दशहरा यानी दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के अलावा एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए अनकंडीशनल लव का भी प्रतीक है। जहाँ एक सिर वाले प्रभु श्री राम 10 सिरों वाले रावण से लड़ बैठे थे, उसी थीम में इसको भी यूज किया गया है। जहाँ गांव वालों को क्लाइमैक्स में वानर सेना जैसा दिखाया गया है, जो है तो छोटे लेकिन उनकी हेल्प बहुत जरूरी है। मतलब चतुराई में चाचा चौधरी चतुर चालाक अवार्ड इनके डायरेक्टर को बनता है भाई। कहानी छोटे से गांव वीरमले की है जहाँ पूरा गांव केवल दारू पीता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, आदमी से लेकर औरत तक, कुत्ते से लेकर बिल्ली तक, सभी नशेड़ी है। इसी नशे के बीच पूरे स्टेट में शराबबंदी लागू हो जाती है। इसके बाद उसी शराब पर गांव में सरपंच की कुर्सी के लिए पॉलिटिक्स शुरू होती है। हमारे लीड एक्टर नानी यानी दारानी अपने दोस्त सूरी और अपने बचपन की प्यार वनीला के साथ कहानी में आते हैं, जहां एक लव ट्रायंगल होता है। लेकिन अपने दोस्त के लिए वो अपने प्यार की कुर्बानी दे देते हैं क्योंकि वनीला सूरी से प्यार करती है। इस बीच गांव की पॉलिटिक्स अलग ही लेवल पर चल रही है। लेकिन इंटरवल से पहले एक ऐसा मोड़ कहानी में आया जो फिल्म को लेकर आपकी पूरी सोच बदल देगा। अब वो क्या है, कहानी क्या है, क्लाइमेक्स कैसा बैठेगा, इसके लिए आपको थिएटर में बैठना पड़ेगा। फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है नानी। इस आदमी में स्टाइल है, स्वैग है, एटीट्यूड है, स्किल है, प्रेजेंस है, थोड़ी बहुत और क्वालिटी भगवान ने बनाई होगी तो वो भी इनमें बिल्कुल होगी भाई साहब। आम जिंदगी जीने वाले किसी भी आदमी को जिन क्वालिटी से जलन हो जाए, इस आदमी में वो सारी क्वालिटी है। पूरी फिल्म इन्हीं के कंधों पर खींची है। एक और आर्टिस्ट इसमें जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन उनके हिंदी वाले शो में सबसे बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है, नन अदर देन सरद केलकर। उनकी वॉइस इस पूरी फिल्म में एक एक्स्ट्रा सुपरस्टार की तरह काम करती है। फिल्म इतनी रॉ एंड रियल है कि इसके इवेंट्स और इसके कैरेक्टर पर आपको यकीन हो जाएगा। मतलब अगर पुष्पा खुद को बेहतर करना चाहे तो नानी की ये फिल्म जरूर देख ले। मतलब कंडा टेढ़ा किए बिना भी स्टाइल दिखाया जा सकता है ब्रो। सोशल मैसेज भी अच्छा दिया गया है मगर इसका क्लाइमेक्स आपको थोड़ा थोड़ा कांतारा की याद दिलाएगा। मास मसाला फिल्मों में एक्शन को कितना स्मार्टली इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बढ़िया एग्जांपल इसमें है। कीर्ति सुरेश भी इसमें अच्छी दिखी। अपनी ही शादी में नाचते हुए उनको देखकर मेरे बगल में जो बैठे सज्जन थे वो धीरे धीरे सज्जन से सजनिया बन गए। मतलब आदमी से सास बन गए कि देखो 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 कैसी मेरे में लड़की है। अरे
हो अंकल, सोसाइटी में क्या कम थे लोग जो पिक्चर में भी आप जजमेंट देने लगे हो। खैर सब मिलाकर ये एक बहुत ही एंगेजिंग और बढ़िया मूवी है। हिंदी में धीरे धीरे सही लेकिन आगे बढ़ रही है, लेकिन डबिंग वाले बाबू से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि चलती सीडी में ना थोड़ा कमी उंगली करेंगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम हिंदी डायलॉग लिखने वाले को बिठा लो यार। खैर आपने अगर इसको देख डाली है तो बताना कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो कब देखने का प्लान करें वो भी लिखना कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में प्रोमो ऐप का लिंक दिया है उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करना। अलग अलग टॉपिक्स पे आप ओपिनियन देकर पैसे कमा सकते हो और डाउनलोड करने पर ₹25 का ज्वाइनिंग बोनस भी आपका हो सकता है। तो जल्दी से डाउनलोड करो प्रोमो और जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।